टुडे इन द फर्स्ट क्लास ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ लॉ आई वुड लाइक टू टेक द फर्स्ट क्लास द इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ देयर आर सिक्स फाइव यूनिट्स इन विच I have described the 5 units. All of them units are important for the public life and for all other everyone, the law student. Unit 1, Public International Law. First of all, I will define some importance of law. A law is a basic structure of human being, where the human being has started his life through this law, a man cannot complete. The basic structure of the society depends upon the law. What is the use of law in the society on the international affair? International law is a law which indeed a human necessity. It is a big law. There are exponents and jurists and different philosophers who have described it, nature, definition, origin and basics of international law. But first of all, I would like to emphasize on the LLB. How to use LLB? How to use LLB? LLB means Bachelor of Law of Laws in Indian concept, and in Latin law legum baccalaureus. First of all, the students of my class, the students who are the first semester student, first have to know what is LLB. What is its importance? The importance of LLB is too much expensive and spending in origin. What are the basic areas which we cover through LLB? It is the area which covers, in comparison of other subject, too much expensive, like judiciary, law officer, law manager, bank employee, parliamentarian, and other bodies. I would like to give you the introduction of the international law. What is the real introduction? परिवर्तनशील प्रकृति की विधि का विधान है. परिवर्तनशील प्रकृति की विधि का विधान है. परिवर्तनशीलता के विधान को छोड़कर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है. विधि भी इस शाश्वत नियम का अनुवाद नहीं है. प्रकृति से ही विधि गतिशील होती है.
नसील होती है 20वीं शताब्दी तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में परिवर्तन की गति में निरंतर अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकासों के परिणामस्वरूप से राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास किए जा रहे हैं। जैसे वास्तव में विधि एक मानवीय आवश्यकता है लॉ इज इंडीड ए ह्यूमन नेसेसिटी। फिलिप सी जेसफ, ए मॉडर्न लॉ ऑफ नेशंस, 1948। पृष्ठ संख्या 3 में आप देख सकते हैं। देन वी हैव टू डिस्क्राइब द नेचर, प्रकृति। इन द इंट्रोडक्शन पोर्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रकृति, व्हाट आर इट्स प्रकृति, व्हाट आर इट्स नेचर। विधि में गतिशीलता, अस्थायी तथा परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय विधि में गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय विधि में संकट, परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा नई अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि के सम्मुख मुख्य चुनौतियां, साम्यवादी चुनौती, बड़ी संख्या में नए राज्यों का उदयमान होना, भारतीय चुनौती तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान, आणविक शक्ति की चुनौती, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्रांति, हरित गृह प्रभाव के ओजोन परत के इस ह्रास या नष्ट होने से उत्पन्न चुनौती, आतंकवाद की चुनौती, सार्वभौमिक विद यूनिवर्सल लॉ, विधि की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण विकास, नए अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण की क्रियाकलापों पर पुनर्विचार की आवश्यकता, विधि शास्त्र शास्त्रादि सेकेंड मिलेनियम में अंतर्राष्ट्रीय विधि की संक्षिप्त समीक्षा, तृतीय शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि की समक्ष चुनौतियां। जैसे कि हम आप देखेंगे कि जब लॉ की परिभाषा की बात आती है तो लॉ की परिभाषा में सबसे पहले फाटी जुड़ा फॉर्टीज लॉ, फॉर्टीज लॉ, लॉ क्या है? देयर आर सो मेनी डिफिनेशंस गिवन बाय आवर जूरिस्ट्स। लॉ इज नथिंग बट ए कॉमन सेंस ऑफ द नाउन टू डू, लॉ इज कमांड ऑफ द हैंड, लॉ इज बट लॉ संप्रभु का आदेश है जिसमें आज्ञा, आदेश की अवहेलना करना विधि विरुद्ध है और उसमें विधि समाहित है। लॉ इसे कमांड ऑफ सो है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑस्टिन के द्वारा, क्योंकि ऑस्टिन जो थे वो कमांडर थे और कमांडर थे इसलिए उनके शब्द में, उनकी परिभाषा में कमांड शब्द आया। लेकिन एक दूसरी परिभाषा है लॉ इज नथिंग बट ए कॉमन पीपुल, लॉ इज नथिंग बट ए कॉमन सेंस ऑफ द कॉमन पीपुल।
but a common sense of the common people. This is the best. This is the best definition which used in life. अब देखिए डिप्रेशन की बात जहां तक आती है, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि शब्द का प्रयोग 1780 में जर्मी बेंथम द्वारा दिया गया। जर्मी बेंथम शब्द किसके द्वारा दिया गया? सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि का शब्द, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? जर्मी बेंथम द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के अनुसार आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि आधुनिक यूरोपीय व्यवस्था का अध्ययन है। इट कम्स फ्रॉम यूरोपियन लॉ व्हेयर द यूरोपियन सोसाइटीज आर वर्किंग देयर वर्क्स एंड देयर ट्रेडिशंस देयर परसेप्शंस देयर वर्किंग इन सच ए मैनर दैट इज लॉ। उपेनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति आवश्यक रूप से इकाई आवश्यक रूप से ईसाई सभ्यता के फलस्वरूप हुई है। इसे ईसाई सभ्यता के फलस्वरूप भी माना जाता है। इसकी उत्पत्ति यूरोपियन सभ्यता से हुई है, इसकी सभ्यता ईसाई सभ्यता से हुई है। ओपेनहाइम तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों का मत है कि ओपेनहाइम तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आधुनिक यूरोपियन व्यवस्था की देन है, उचित नहीं। रामायण तथा महाभारत के अध्ययन से ओपेनहाइम तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों का उक्त मत की असत्य पाया जाता है, असत और स्पष्ट करता है। प्रसिद्ध भारतीय विधिशास्त्री डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने लिखा है कि स्मृतियों के अध्ययन से ही निसंदेह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में युद्ध की विधियों तथा नियमों की एवं विकसित प्राणी की व्यवस्था की जो मनुष्यता का वीरता आदि की भावनाओं पर आधारित थी, उसके अतिरिक्त ईसा के पूर्ण पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे आश्रय एसाइलम प्रदान करने का अधिकार, विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार, राजदूतों की मूर्तियां तथा विशेष अधिकारियों की आदि का संबंध में नियम का भारत में विकास हो चुका है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रारंभ प्राचीन समय में से हो चुका था। इट इज द ओल्डेस्ट लॉ ऑफ द वर्ल्ड और यू कैन से लाइन There are two laws which works in world. There are one international law, the another is the state law. International law is a law which can internationally correlate the states, the members of the UNO countries who are the members. They are especially the member of the UNO. They can survive
or you can say they can fulfill their conditions through international law. International law is a root law where the states can get sufficient manner how to grow the state, how to establish the state, how to centralize the state. The centralizing power, the supremacy of the constitution of every country is different, but they can work within their sphere through international law. International law can do negotiations, mediations, asylums, conciliation, all these things. And I would like to emphasis on the definition area. The definition is Oppenheim gives the definition. Oppenheim के अनुसार दी गई परिभाषा राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सब राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। यह परिभाषा 1905 में दी गई। प्रोफेसर यर ब्रायरली प्रोफेसर जेयर ब्रायरली के अनुसार राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में अपने आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सब राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। हैगवर्थ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का एक समूह है जो राज्यों के संबंधों के नियंत्रित करता है। यह विधिशास्त्र की ऐसी व्यवस्था है जिसका विकास मुख्यतः समय समय पर होने वाले अनुभवों तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है। चार्ल्स जी फेनविक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा विस्तृत शब्दों में सामान्य सिद्धांतों तथा विनिर्दिष्ट नियमों के समूह द्वारा दी जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। आप देखेंगे कि परिभाषाओं में कईयों ने परिभाषा दिया है लेकिन चार्ल्स जी फेनविक की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय विधि में सबसे उपयुक्त और पढ़ित है, सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी परिभाषा है जिसमें कुछ छूटा नहीं है। फेनविक की परिभाषा उपयुक्त पाणित परिभाषाओं में से सबसे अधिक उपयुक्त परिभाषा है। फेनविक ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य शब्द का प्रयोग किया है। इसमें प्रभुत्व संपन्न सॉवरेनिटी राज स्टेट व्यक्ति ह्यूमन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गैर राज्य अदर स्टेट्स इकाइयों आदि सभी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस परिभाषा के अंतर्गत समान सिद्धांत भी आ जाते हैं।